बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं रुखशान मीर। पाकिस्तान में ख्वाजा सरा कम्युनिटी की तादाद 10,000 से भी ज़्यादा है। इस कम्युनिटी में से सिर्फ एक खातून जिनका नाम मारविया मलिक है, उन्होंने अपने आप को इस काबिल कर लिया है कि अब वो पाकिस्तान के एक निजी टेलीविज़न पर बतौर न्यूज़ एंकर ऑन एयर हैं। दुनिया में तीसरी ख्वाजा सरा हैं जो कि न्यूज़ एंकर के तौर पर ऑन एयर हैं और टेलीविज़न पर आती हैं, खबरें पढ़ती हैं, और जो देखने वाले हैं, जो इनके नाज़रीन हैं, वो भी इन्हें बड़ी तादाद में पसंद कर रहे हैं। तो आज हमने काविश की कि हम मारविया मलिक के पास जाएं, उनसे कुछ बात करें, ना सिर्फ इनके करियर के हवाले से बल्कि इनकी पूरी कम्युनिटी को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उन पर भी इनकी राय लें। मारविया मलिक, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे नाज़रीन को। सबसे पहले तो मुबारकबाद वसूल कीजिए हमारी जानिब से, आपने इतना बड़ा टारगेट अकम्पलिश किया है। मारविया, अमूमी तौर पर पाकिस्तान में ऐसा कोई पहले ट्रेंड नहीं था, ना हमने कभी ऐसा पहले देखा, और लोगों का परसेप्शन भी यही है कि ख्वाजा सरा या तो डांस करते हैं या सिग्नल्स पे उन्हें काम करना पड़ता है या और कोई, मेन स्ट्रीम में ख्वाजा सरा नहीं आते। आपने जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन की पंजाब यूनिवर्सिटी से, फिर आप बतौर मॉडल काम करती रहीं, अब आप न्यूज़ एंकर ऑन एयर हैं। ये जो स्ट्रगलिंग फेज था, कितना दुश्वार था आपके लिए? सोसाइटल प्रेशर्स क्या क्या थे? बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए सब स्ट्रगल करना, और स्टिल अभी तक स्ट्रगल कर रही हूँ और मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश करती रही हूँ और मज़ीद आगे बढ़ती रहूँगी। जब एक बच्चे को घर में ही एक्सेप्टेंस नहीं दी जानी, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं दी जानी, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जानी, तो वो ज़ाहिर सी बात है उसने सड़कों पे मांगना है या नाचना है या फिर प्रोस्टिट्यूशन करनी है। बिल्कुल। तो ज़ाहिर सी बात है मैं ये सब कुछ नहीं थी करना चाहती। मैं मज़ीद आगे बढ़ना चाहती थी और मैंने करके दिखाया। वो सिर्फ इसलिए ये सब कुछ हो सका है कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली। मुझे फैशन इंडस्ट्री में भी अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे मीडिया इंडस्ट्री में भी मिली। तो बेसिकली ये अगर देखा जाए हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, मैं आगे बढ़ सकती हूँ और एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकती हूँ फैशन इंडस्ट्री में भी और मीडिया इंडस्ट्री में भी। तो मेरे जैसे जितने हज़ारों लाखों ट्रांसजेंडर्स हैं, अगर उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ तो वो क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। बिल्कुल। लोग अप्रिशिएट करते थे जब आप स्ट्रगल करती थी कि मैं न्यूज़ एंकर बनूंगी, और जब जर्नलिज्म की डिग्री आप हासिल कर रही थी तो लोग क्या कहते थे कि इतनी टफ फील्ड है, आप कैसे जाएंगी और लोगों को बाईपास करेंगे जो लोग लाइन में क्यू में हैं? देखिए, जहाँ पे आपको डिग्रेड करने वाले बुरे लोग हैं, वहाँ पे आपको मोटिवेट करने वाले अच्छे लोग भी होते हैं। तो मैं इस तरफ से खुश नसीब हूँ कि जहाँ पे मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वहाँ पे मेरे बहुत से अच्छे दोस्त भी हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे आगे मज़ीद मेरी उम्मीद की ढारस बंधाई, और मैं आज उन्हीं की वजह से समझती हूँ कि आज इस मुकाम पे हूँ। और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की मैंने, और मेरे फ्रेंड्स भी बल्कि कहते हैं कि मारविया तुम ये डिज़र्व करती थी। तो स्ट्रगल तो सब ट्रांसजेंडर्स कर रहे हैं। मेरे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जिनके पास मास्टर्स की डिग्रीज हैं लेकिन उनको जॉब्स नहीं दी जाती सिर्फ जेंडर बेस पे, क्या आपका जेंडर डिफरेंट है, हम आपको कैसे जॉब देंगे, हमारा मजाक उड़ाया जाएगा, ये होगा वो होगा। मेरा ये कहना है आप जेंडर बेस पे क्यों ये सब कुछ करते हो, आप बतौर इंसान होने के नाते क्यों नहीं करते, बतौर मुसलमान होने के नाते क्यों नहीं देते, बतौर पाकिस्तानी होने के नाते क्यों नहीं मौके फराहम करते हैं? आपकी जो कम्युनिटी है जिसकी तादाद मैंने अभी नाज़रीन को बताया कि 10,000 से भी बहुत ज़्यादा है। 10,000 से ज़्यादा, ये सिर्फ एक अंदाज़ा है, एक अंदाज़ा है, हालिया मरदमशुमारी के जो नतज हैं 10,000 कुछ सौ है। अच्छा, मुझे बताइए कि सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं और मुश्किलात क्या हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए पाकिस्तान में? सबसे ज़्यादा मुश्किलात एक्सेप्टेंस की है, अपने घर से ही एक्सेप्टेंस नहीं है। घर से एक्सेप्टेंस नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर घर से आपको एक्सेप्टेंस मिलना स्टार्ट हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि सोसाइटी में कोई भी बच्चे को डिग्रेड कर सकता है, ट्रांसजेंडर्स को डिग्रेड कर सकता है, अगर फैमिली एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि ये सोसाइटी हमारी फैमिली से, हमारे घरों से, हमारे मोहल्लों से बनती है। अगर घरों में इज्जत मिलना स्टार्ट हो जाए तो सोसाइटी चेंज हो सकती है। आपको अपने घर में एक्सेप्टेंस मिली?
अप्रिसिएशन मिली या आपको भी थोड़ा सा? मेरी स्टोरी में और एक जो आम ट्रांसजेंडर है उसकी स्टोरी में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। यानी आपकी भी जो फैमिली लाइफ है वो तकरीबन वैसी ही है जो किसी कोई सिग्नल पे खड़ा या कोई डांस करने वाला ख्वाजा सरा है। ठीक है, तो फिर जो ख्वाजा सराओं की तंजीमें हैं, जो उनके हकूक की तंजीमें हैं, वो किस कदर फाल हैं? आप क्या समझती हैं वो अपना काम ठीक तरीके से कर रही हैं, कर पा रही हैं? जी बिल्कुल, वो अपना काम बिल्कुल ठीक तरीके से कर रहे हैं। देखें, बेसिकली ये जो ट्रांसजेंडर राइट्स हैं ये एनजीओस की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक स्टेट की जिम्मेदारी है। इसकी जिम्मेदार एक स्टेट है, ये काम स्टेट ने करना है। स्टेट कहाँ पे है? क्या हमेशा हकूक मांगने से ही मिलेंगे? स्टेट जिम्मेदार नहीं है इस चीज़ की, स्टेट को कुछ नहीं पता क्या इस चीज़ का? एनजीओ जस्ट आपको हेल्थ की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं या आपकी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हैं जस्ट। अगर आप प्रोग्राम में आती हैं और आपको मौका मिलता है बड़ी सियासी शख्सियत से या इन्फ्लुएंशियल शख्सियत से इंटरव्यू करने का, तो सबसे पहले किसका इंतखाब करेंगी और अपनी जो दुख भरी दास्तान है या अपनी सारी कम्युनिटी की उसको सुनाएंगी, वो कौन सी शख्सियत है? मैं सबसे पहले नवाज शरीफ साहब से इंटरव्यू लेना चाहूँगी। अच्छा, और नवाज शरीफ साहब को फिर आप बताएंगी कि हमारी कम्युनिटी के साथ ये है इस तरह से, इस तरह से। देखिए, अभी मैं किसी पार्टी की सपोर्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ उस पार्टी की सपोर्टर होंगी जो हम ट्रांसजेंडर के लिए वर्क करेगी, और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी सारी की सारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी उसी पार्टी की सपोर्टर होगी। सो हम बस अपने बेसिक राइट्स चाहते हैं, सोसाइटी में चेंज चाहते हैं, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस चाहते हैं। यकीन मानिए आप, अगर ये चेंज आ जाए, मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान की सड़कों पे आपको कोई भी ख्वाजसरा मांगते हुए नजर आएगा या फिर प्रोस्टिट्यूट करते हुए नजर आएगा। मैं ये चीज़ नहीं मानती हूँ, सिर्फ एक एक्सेप्टेंस की वजह से, एक सोच बदलने की वजह से। सोच कैसे बदली जा सकती है, लोगों का जो परसेप्शन है उसे कैसे तब्दील किया जा सकता है? ख़ास तरह की एजुकेशन देनी पड़ेगी आपके हकूक के हवाले से या आपकी कम्युनिटी के हवाले से, या लोगों को वैसे एजुकेट करना पड़ेगा? अगर हमारे लॉ में ये इस चीज़ का मेंशन हो जाता है कि ट्रांसजेंडर्स के अपने राइट है, वो मिल जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में भी चेंज आ सकता है। जब एक स्टेट में ही लॉ बन जाता है तो वो सोसाइटी को उसके ऊपर अमल करना मजबूरी होती है। ठीक है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सबसे ज़्यादा टफ क्या रहा? चूँकि आप एक एक्टिव, मैं अज्यूम कर सकता हूँ और नाजरीन भी, कि आप यहाँ तक पहुँची हैं इस एज में, तो आप एक एक्टिव स्टूडेंट होंगी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी, तो सबसे ज़्यादा टफ या लोगों से बातें सुननी जब पड़ी, या लोगों से जो डिग्रेडेशन, आप कोई लोगों ने कुछ डिग्रेड किया होगा, कुछ ऐसी बातें कही होंगी जो हैरेसमेंट के ज़ुमरे में आती हैं, वो कहाँ पर ज़्यादा है? मेरा आंसर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मुझे ना स्कूल में मुश्किल पेश आई, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में। अच्छा, मुझे घर में मुश्किल पेश आई। हाँ, अब घर वालों का बिहेवियर कैसा है आपके साथ? सेम वैसा जैसा पहले था, एक्सेप्टेंस पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं। अब भी नहीं एक्सेप्टेंस? अब भी नहीं है। तो अब वो खुश नहीं हुए कि उन्होंने आपका नाम रोशन किया? मेरा कोई कनेक्शन नहीं है उनके साथ फिलहाल, बट मुझे नहीं उम्मीद, जितना मतलब मुझे उनकी तरफ से मिल चुका हुआ है सब कुछ, मुझे नहीं लगता कि उनके रवैये चेंज हो सकते हैं। हाँ, उनके रवैये चेंज हो सकते हैं। यही चीज़ को तो बदलने के लिए मैं निकली हूँ कि खुदारा पेरेंट्स को ये इल्तजा करती हूँ मैं कि अपने बच्चों को समझो, अपने बच्चों का साथ दो, उन्हें अपनाओ, चाहे वो जैसे भी हैं, जो भी हैं, उनको अपनाओ, उनको घरों से बाहर ना निकालो। जब आप घरों से बाहर निकालोगे, ये दुनिया जीने नहीं देती, उनको अपना गुजारा करने के लिए बहुत से गलत कामों में पड़ना पड़ता है, बहुत से गलत कामों में। तो खुदारा अपने बच्चों को समझें, अपने बच्चों की अच्छी, उनकी इमोशनल सपोर्ट करें, उनका साथ आप उनको बैक करें जो उनके एम्स हैं उसमें उनका। अच्छा, आखिरी सवाल हमारे नाजरीन जो के जानना चाहते हैं, अब आपका आगे का क्या प्लान है, क्या करना चाहती हैं अपनी कम्युनिटी के लिए? मैं अगर आज इस जगह पे पहुंची हूँ ना, वो सिर्फ इस वजह से कि मेरे इश्यूज, मेरे प्रॉब्लम्स भी वही हैं जो एक आम ट्रांसजेंडर्स के हैं। बिल्कुल, हम सब कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज सेम हैं। सो मेरे आगे के प्लान्स ये हैं कि एक्सेप्टेंस हो। आखिर कितनी देर ये सिलसिला जारी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा आपके जहन में कुछ पॉइंट्स होंगे ना कि हमारी कम्युनिटी के साथ ऐसा 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 सलूक किया जाए, उनको कोई कोटा दिया जाए, या उनके लिए स्कूल्स कायम किए जाएं, कुछ भी ऐसा? स्कूल्स क्यों कायम किए जाए? अलहदा स्कूल्स क्यों कायम किए जाए? आखिर अलहदा स्कूल्स कायम करने, फिर अलहदा हॉस्पिटल्स भी कायम करो। नहीं, अलहदा हॉस्पिटल्स अगर कायम करने हैं, अलहदा मुल्क भी बनाओ फिर।
کیوں؟ علیحدہ اسکول سے میری مراد کہ ایسے کچھ آپ کے آپس میں ٹریننگ اکیڈمیز جہاں پر آپ کی کمیونٹی کے لوگ آپس میں مل بیٹھ کر اپنی شیئرنگ کریں، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ بھی کریں۔ آخر اکیلے میں کیوں؟ اگر کمیونٹی کے ساتھ عام لوگ بھی مل جائیں، ان کو بھی سمجھنے کا مزید موقع ملے گا، انہیں بھی مزید سمجھنے کی ساری چیزیں ملیں گی، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، ان کو بھی فرق کا پتہ چلے گا۔ ہم نے جن لوگوں کو اچھوت سمجھا تھا وہ کتنے اندر سے کتنے زیادہ پولائٹ ہیں اور کتنے اچھے ہیں۔ بہت شکریہ مارویہ ملک، ہمارے ساتھ موجود تھی پاکستان کی سب سے پہلی خواجہ سرا نیوز اینکر، جنہوں نے نہ صرف اپنی کمیونٹی بلکہ پورے پاکستان کا سر آج فخر سے بلند کر دیا ہے، اور انہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی بہت مثبت کوریج مل رہی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود تھی، ان کا منشور، ان کا ویژن اور ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم ان کے ساتھ کوہ نور نیوز چینل، ان کا جو اپنا آفس ہے وہاں پر موجود تھے۔ ونس اگین تھینک یو سو مچ، اور مبارکباد بھی وصول کیجیے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ مزید ترقی کرتے رہیے، اور جو آپ کا ویژن ہے آپ اس پر گامزن رہیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ، دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔ رخشان نے کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔